हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी क्लास। बहुत बहुत स्वागत है सभी बच्चों का क्लास में। होपफुली आप सभी बच्चे बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। और जैसा कि सभी को पता है कि हमारे एग्जाम्स आने वाले हैं, है ना, ऑलमोस्ट आने वाले हैं, तो सभी बच्चे लगे होंगे रिविजन में, पढ़ाई में। तो बहुत अच्छी बात है, सभी बच्चे बहुत अच्छे से पढ़िए, ध्यान से पढ़िए, अच्छे से समझिए। ठीक है, कोई भी डाउट हो आप लोग हमसे पूछ सकते हैं, डायरेक्टली पूछ सकते हैं। ठीक है, और क्लास 7 के बच्चों को बहुत मिस किया जाता है, स्पेशली कुछ बच्चे हैं। मुझे एक बच्चे का ही नाम याद आता है, दैट इज दीक्षिका, है ना। और भी बच्चे हैं, मतलब हम बात नहीं करते ना हम लोग, इसलिए मैं नाम भूल गई हूँ, पता है सबके, बस लेकिन ये दीक्षिका लड़की का नाम याद है मुझे। चलिए, बहुत अच्छी बात है, सभी बच्चे अच्छे से पढ़ाई करें, ध्यान से पढ़ाई करें। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। अच्छा, मैंने बाकियों का नाम नहीं लिया, इसका मतलब ये नहीं कि मैं बाकियों को मिस नहीं कर रही। एक्चुअली उस बच्चे का नाम मुझे बहुत अच्छे से याद है, डिफरेंट है थोड़ा, इसीलिए याद है। खैर, अगर किसी को बुरा लग रहा है तो मुझसे बात कर सकते हैं डायरेक्टली व्हाट्सएप पे, है ना। चलिए, तो चैप्टर 4, दिस इज एयर, ज्योग्राफी का लेसन है। चलिए इसको फटाफट से हम लोग खत्म करते हैं, बहुत ही बेहतरीन लेसन है, बहुत ही बढ़िया लेसन है, पढ़ोगे समझोगे, बहुत मजा आने वाला है। दिस इज मी भारती नीमकर, और हम सब यहाँ सोशल स्टडीज पढ़ रहे हैं। आप सभी बच्चे हमें टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका नाम सत्य शिक्षा है, 6th 7th 8th, और इसके लिए आपको टेलीग्राम को डाउनलोड करना होगा। अच्छा, एयर, एयर सिर्फ यानी हवा या वायु, जो भी आप इसे कहना चाहें। इसे सुनने के बाद या इसे बोलने के बाद सिर्फ यही दिखता है कि मतलब हवा। अब हवा क्या सिर्फ हवा ही है ना, हवा भी कई तरीके की होती है। बहुत बड़ा एटमॉस्फेयर है हम लोगों का, हमारी अर्थ का, है ना, जो कि हमें अलग अलग चीजें, अलग अलग क्वालिटी, फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, जिसे हम बहुत मतलब इंजॉय करते हैं। ये सब चीजें मतलब नेचर्स गिफ्ट है, ये एवरीथिंग, है ना, ये जितनी भी चीजें हमें मिली हुई है। तो एयर में बहुत सारी गैसेस होती हैं, है ना, बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं, बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, और जिससे जो हमारी अर्थ है, जो उसका सर्कुलेशन है, जो उसकी फॉर्मेशन है, ये सब चल रहे हैं, है ना, ऑटोमेटिकली सब चीजें चल रही है, ऑटोमेटिकली सब अपने आप हो रहा है, हमारा कोई हाथ नहीं है इसमें, है ना। हम लोग सिर्फ इन सब चीजों को, इन सुविधाओं का लुत्फ उठा रहे हैं, है ना, मजे कर रहे हैं हम सब लोग। चलिए, तो हम सब यहाँ जानते हैं सबसे पहले एटमोसफेयर के बारे में। एटमोसफेयर सभी को पता है, एटमोसफेयर यानी कि वायुमंडल, है ना, सभी को पता है ना, वायुमंडल कहते हैं इसको। ओके, तो अ ह्यूज ब्लैंकेट ऑफ एयर दैट सराउंड द अर्थ इज कॉल्ड एटमोसफेयर। ये तो अपनी हो गई डेफिनेशन, ठीक है, डिफाइन है। तो एटमोसफेयर क्या है? एक बड़ा सा ब्लैंकेट जिसने हमारी अर्थ को घेरा हुआ है चारों तरफ से, है ना, एक बहुत बड़ी लेयर। तो वो हमारी अर्थ को प्रोटेक्टिव बनाती है, वो हमारी अर्थ को ऐसे बहुत सारी चीजें प्रोवाइड करती है जो शायद किसी और प्लैनेट पर नहीं है। एटमोसफेयर अर्थ के प्लैनेट पर ही है ना, बाकी जो प्लैनेट्स का एटमोसफेयर है बहुत डिफरेंट है, बहुत अलग है, बहुत अलग अलग चीजें हैं, लेकिन जो हमारा एटमोसफेयर हमें प्रोटेक्ट करता है, सेव करता है ना, ये हमें प्रोवाइड करता है एयर जो कि हम ब्रीथ करते हैं, प्रोटेक्ट करता है हमें हार्मफुल इफेक्ट से, है ना, जो कि सन रेज कि जो हार्मफुल रेज हैं, जिनको अल्ट्रा वायलेट रेज कहा जाता है, या फिर यूवी, है ना, यही कहा जाता है ना, ये बहुत ही हार्मफुल होती हैं। ये किसी भी इंसान को स्किन प्रॉब्लम्स, स्किन डिजीज या स्किन कैंसर, अगर मैं सीधी सीधी भाषा में कहूँ, तो ये उसको देता है। तो इसीलिए जो सन में, जो सनलाइट में जो एक्सपोजर है, वो हमें ज्यादा नहीं करना चाहिए, है ना, हमें अपने बॉडी को ढक के रखना चाहिए, कंफर्टेबल कपड़े पहनने चाहिए और फुल स्लीव्स कपड़े पहनने चाहिए, ताकि जितना भी एक्सपोजर है ना, वो कम से कम रहे, हमारी जो बॉडी है वो सनलाइट के कांटेक्ट में कम से कम रहे। ठीक है, जितनी, अगर आप लोग कह रहे हो कि मैम ऐसा कह रही है कि सनलाइट के कांटेक्ट में कम से कम रहे, तो बहुत गलत है, हमें तो सनलाइट से विटामिन डी मिलता है ना, ये क्वेश्चन आता है कि नहीं आता दिमाग में बच्चे? सनलाइट से विटामिन डी मिलता है मॉर्निंग रेज में, है ना, जब सूरज उगता है से लेके सिर्फ 7 बजे तक, तब तक की जो रेज होती है बहुत लाइट होती है, बहुत माइल्ड होती है, वो आपको विटामिन डी प्रोवाइड करती है, ना कि दोपहर की धूप जिसमें हम लोग जलते हैं, उसमें नहीं मिलता कुछ भी। ठीक है, चल,
तो कुछ इस तरीके का एटमोसफेयर है हमारा इतना सुंदर, ठीक है, जो कि हमें नीला नीला दिखाई देता है। बट वैसे कहा जाता है कि जो स्काई है उसका कोई कलर नहीं, कलरलेस यानी ब्लैक। ठीक है, आगे चलते हैं। अब पढ़ते हैं हम कॉम्पोजिशन के बारे में, जो एटमोसफेयर है वो कितनी चीजों से मिलकर बना है, कितनी गैसेस से मिलकर बना है ना। सबसे पहले गैस नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये दो गैसेस हैं जो कि बल्क में है हमारे पास। ऑक्सीजन इज 71% या 72% कुछ इसी तरीके से है, और ऑक्सीजन है नहीं, ये 78 है, दिस इज 21%, है ना। कितना हो गया ये 80 100, नहीं तो ये कम है भाई, रुक जाओ, दिस माइट बी 77%, ठीक है, ये 21%, और जो रिमेनिंग अदर गैसेस है वो 1% है। ठीक है, अभी भी कितना हुआ है, 78 88 98, ओके, तो दिस कुड बी 78 अगेन। मैं जरा रब कर देती हूँ वापस से तो हमें ज्यादा समझ आएगा। दिस इज 78%, बिल्कुल ठीक लिखा था, और दिस इज 21%, और जो अदर गैसेस है वो रिमेनिंग 1% है। तो ये इनका टोटल कितना हो, 99, बाकी जो 1% है दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ओजोन, आर्गन, हाइड्रोजन, ये कितनी है, ये सारी मिला के ऑल प्लस 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 एंड प्लस, ये लेसर क्वांटिटीज में मिलते हैं क्योंकि ये इतनी रिक्वायर्ड नहीं। ठीक है, पर इन सब में से सबसे ज्यादा गैस कौन सी है, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, मैक्सिमम 78, सेकंड ऑक्सीजन, एंड थर्ड नंबर पे कार्बन डाइऑक्साइड, बाकी ये सब लीस्ट नंबर पे आती है। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दीज गैसेस टाइनी डस्ट पार्टिकल्स भी हैं जो कि हमारे एयर में मौजूद है ना। जब हम हवा में खड़े होते हैं, जब हवा चल के आती है तो हमारी आंखों में कुछ पार्टिकल्स चले जाते हैं, कुछ क्रैकल्स चले जाते हैं, तो हम ऐसे आंखें मलते हैं तो हमें खुल नहीं पाती है आंखें, तो वो पार्टिकल्स भी, कुछ डस्ट पार्टिकल्स जो कहा जाता है, वो भी एयर में प्रेजेंट है। तो जो हवा है वो कॉम्पोजिशन है, वो मिक्सचर है किसका, गैसेस का, पार्टिकल्स का, है ना, इन्हीं सब चीजों का मिक्सचर है, और ये इसको एक अलग बनाते हैं, एक एक क्वालिटी इसको प्रोवाइड करते हैं ना, जिसको लेना, जिसको इनहेल करना हमारी बॉडी के लिए बहुत अच्छा है। आप देखते हैं, देखिए डिफरेंट ये परसेंटेज है, देखो नाइट्रोजन 78, ऑक्सीजन 21%, आर्गन 0.93, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03, ऑल अदर आर 0.0। तो यहाँ पर आर्गन जो है 0.93 सबसे ज्यादा है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है 0.03 है। अच्छा, किसी जमाने में अगर मैं आपको बताऊं, जो कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस थी है ना, दैट वॉज समहाउ 0.01%, जब इंसान नहीं हुआ करते थे, आई थिंक तब की बात है, तो बहुत समय की बात है। अभी तो हम बहुत आगे निकल गए हैं, बहुत टेक्नोलॉजी है हम लोगों के पास, यानी कि जो ह्यूमन बीइंग इंटरवेंशन होने के बाद है ना, बहुत सारी इंडस्ट्री सेटअप होने के बाद, एनिमल्स के आने के बाद, जो कार्बन लेवल है वो बढ़ गया, क्योंकि हम ऐसा मानते हैं जो हमारी पहले अर्थ हुआ करती थी वो सिर्फ जंगल था, बहुत सारा जंगल 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 जंगल। तो दैट मीन्स जो कार्बन है वो उन्होंने अपने अपने अंदर समेटा हुआ था, और सिर्फ ऑक्सीजन ही ऑक्सीजन था, दैट इज अबंडेंट, है ना। लेकिन अब आप बोलोगे कि मैम कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो पेड़ों में कैसे आ सकता है, अभी हम साइकिल समझेंगे, तब आप देखना कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो जो फॉरेस्ट ने अपने अंदर कंज्यूम करके रखा हुआ है, अपने अंदर प्रिजर्व करके रखा हुआ है, अगर हम पेड़ काट देंगे तो कार्बन का अमाउंट ज्यादा बढ़ जाएगा, तो वो हमें नहीं करना है। ठीक है, ये देखिए एटमोस्फेरिक कॉम्पोजिशन, ये नाइट्रोजन है, दिस इज दी होल अमाउंट जो कि बिग है, ऑक्सीजन सेकेंड, आर्गन थर्ड, और जो ट्रेसेस हैं यानी कि जो ऑल अदर गैसेस हैं वो 0.01% है ना। अब जो 1% गैसेस हैं, ट्रेस गैसेस जिनको हम कह रहे हैं, है ना, अदर गैसेस जिनको कहा जाता है, तो वो 1% में भी किसका कितना पार्ट है। देखो सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड सी 93.497%, फिर ओजोन 0.10%, नाइट्रस ऑक्साइड 0.79%, मीथेन 0.442%, हीलियम 1.299%, नाइट नियॉन 4.675%, है ना। तो सबसे ज्यादा कौन सी आ रही है, दिस इज कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। पर
उससे ज्यादा कौन सी है? आर्गन। तो ट्रेसेस गैस कौन सी होती है? ट्रेस गैसेस, जो कि अदर गैसेस हैं, जो कम अमाउंट में अवेलेबल हैं, जिनका बहुत ज्यादा यूज नहीं है, और आप कह सकते हो कि ह्यूमन बीइंग्स के लिए वो अच्छी नहीं है, हेल्पफुल नहीं है। ठीक है, जो हेल्पफुल है वो ऑलरेडी काफी अमाउंट में अवेलेबल है। सबसे पहले पढ़ते हैं हम नाइट्रोजन के बारे में। नाइट्रोजन सबसे बढ़िया गैस है। नाइट्रोजन गैस, मैं इसका एक फैक्ट आपको बताती हूँ कि हम सभी लोग है ना, एनिमल्स, प्लांट्स, हम ग्रो करते हैं किसकी वजह से? नाइट्रोजन की वजह से। ये ग्रोथ कहाँ से आती है? ग्रोथ किसी की भी, प्लांट्स की, है ना। ये देखिए, प्लांट्स नीड नाइट्रोजन फॉर देयर सर्वाइवल। हम कहते हैं कि जब भी प्लांट हमें लगाना होता है तो सॉइल में नाइट्रोजन का होना बहुत जरूरी है। हम यही कहते हैं कि सॉइल में अगर नाइट्रोजन होगा तो जो प्लांट है वो बहुत अच्छे से रहेंगे। क्यों? क्योंकि उससे उनकी ग्रोथ होती है ना। ग्रोथ हम लोगों की भी, हमारे सराउंडिंग्स की, जानवरों की, हम सभी को नाइट्रोजन चाहिए, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, है ना। बहुत सारे ऐसे एनिमल है जो प्लांट्स खाते हैं, हम लोग प्लांट्स खाते हैं, है ना। और कई बार क्या होता है, हम उन एनिमल्स को खाते हैं जो प्लांट्स खा रहे हैं। तो देखा जाए तो जो नाइट्रोजन है वो ट्रांसफर हो रहा है एक जगह से दूसरी जगह। देखिए, ये प्लांट है, इसको खाया डियर ने, डियर को खाया लायन या टाइगर ने, जो भी टॉप प्रेडेटर है। ठीक है, आप देखो यहां से ये प्लांट है, इसमें क्या है? नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन ट्रांसफर हुआ किसमें? डियर में। फिर डियर से ट्रांसफर हुआ किसमें? लायन और टाइगर में, है ना। अब लायन और टाइगर को खाने वाला तो है नहीं कोई, हम लोग भी नहीं खा सकते हैं, राइट, मतलब इसको नहीं खा सकते। तो मतलब जो भी है, जो गैस है वो क्या हो रही है? वो ट्रांसफर हो रही है फ्रॉम वन पर्सन टू दी अदर। बैक्टीरिया दैट लिव इन दी सॉइल एंड रूट्स ऑफ सम प्लांट लाइक नाइट्रोजन फ्रॉम दी एयर चेंजेस इट टू दी फॉर्म सो दैट प्लांट्स कैन यूज इट। तो इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है नाइट्रोजन फिक्सेशन। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है? नाइट्रोजन फिक्सेशन। ठीक है, तो कई जो छोटे छोटे बैक्टीरिया होते हैं जिनको क्या कहा जाता है? राइजोबियम्स, है ना। कहाँ गया बैक्टीरिया? ये रहा। ये बैक्टीरिया कौन सा है? राइजो, ठीक है। तो ये जो राइजोबियम है, इनका क्या काम होता है? ये लेग्यूम्स में होते हैं, लेग्यूम्स की नोड्यूल में होते हैं। नोड्यूल मतलब गांठे, जो छोटी छोटी प्लांट के जड़ों में जो गांठे बनी होती है उनको नोड्यूल कहते हैं। किस में? बी में, बीन्स में, पीज में, मटर और बीन्स में, इसी में नोड्यूल्स में अवेलेबल होते हैं क्या? राइजोबियम। ठीक है, तो ये क्या करते हैं? नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। और नाइट्रोजन फिक्सेशन जब होता है तो ये प्लांट उस नाइट्रोजन को यूज करता है फॉर देयर ग्रोथ। दैट मीन्स उस प्लांट में सबसे ज्यादा अमाउंट में नाइट्रोजन अवेलेबल है। ये देखिए, ये नाइट्रोजन साइकिल है, इसको ध्यान से देखिए। थोड़ा सा शायद आपको नहीं समझ आएगा, पर मैं यहाँ फिर भी आपको कुछ समझाने की कोशिश करूंगी, ध्यान से समझना। देखो, नाइट्रोजन हमारे एटमोस्फेयर में, ठीक है, हमारे एटमोस्फेयर में ऑलरेडी, ये फिर एटमोस्फेयर से क्लाउड भी गई। अब देखो, क्लाउड फॉर्मेशन होगा, ठीक है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी वगैरह सब रहेगी, है ना। बहुत सारी गैसेस होती हैं जो क्लाउड फॉर्मेशन में हेल्प करती है, जो भी है। तो नाइट्रोजन हमारे एटमोस्फेयर में अवेलेबल है। एटमोस्फेयर से जब बिजली कड़की, तो यहां से नाइट्रोजन कहाँ आया? यहाँ प्लांट में आया, इन ग्रासेस में आया। तो इन ग्रासेस ने क्या किया? नाइट्रोजन को स्टोर कर लिया, है ना, फिक्स कर लिया। इसमें बैक्टीरियाज अवेलेबल थे। फिर जब ये बैक्टीरियाज बन गए तो यहाँ पर जो नाइट्रिफाइंग बैक्टीरिया थे, जो बैक्टीरियाज थे, नाइट्रिफाइंग बैक्टीरियाज, वो आगे गए, है ना। फिर उन्होंने यहाँ पर असिमिलेट हुए ये कई चीजों में, यहाँ पर जो मिट्टी वगैरह है। देन डीनाइट्रिफिकेशन हुआ बैक्टीरियाज का। अब यहाँ से जो नाइट्रोजन है वो क्या हुआ? शिफ्ट हुआ, ट्रांसफर हुआ। ठीक है, ट्रांसफर होने के बाद यहाँ पे अमोनिफिकेशन हुआ। अमोनिफिकेशन के बाद, राइट, यहाँ पर ये जो प्लांट बना हुआ है, यहाँ पर भी जो नाइट्रोजन है वो भी ट्रांसफर हो रहा है। इसके बाद यहाँ से डीनाइट्रिफिकेशन हुआ, यानी कि यहाँ से जो पेड़ पौधे थे, जो घास वगैरह थी, उन सबको या तो कंज्यूम कर लिया गया, या वो टूट गए, या वो कुछ भी मतलब हो गया, वो डेड हो गए। तो यहाँ से जो नाइट्रोजन है वो रिलीज होकर अगेन एटमोस्फेयर में रिलीज हो गया। तो ये हमारा
क्या है, ये प्रोसेस है जो नाइट्रोजन है इसी तरह सर्कल में चलता रहता है, वो हर जगह अवेलेबल है। ठीक है, बात करते हैं हमारी सबसे सेकंड नंबर जो सर्वाइवल गैस है जो कि 21% अवेलेबल है, ठीक है, हमारे एटमॉस्फेयर में, जिसको हम सर्वाइवल गैस में लिख रही हूँ। ह्यूमन और एनिमल क्या करते हैं, इसको ब्रीथ करते हैं, ठीक है। ग्रीन प्लांट्स प्रोड्यूस करते हैं ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस मतलब प्रकाश संश्लेषण, संश्लेषण इसी को कहा जाता है, यानी कि प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड, है ना। विच मेक ऑक्सीजन कंटेंट इन द एयर रिमेन्स कॉन्स्टेंट। अच्छा, अब इसका भी एक प्रोसेस है, वो हम जानेंगे कि किस तरीके से जो ऑक्सीजन है किस तरीके से मेंटेन रहती है हमारे एटमॉस्फेयर। ठीक है, देखते हैं ऑक्सीजन साइकिल। देखिए, देखो वापस से ऑक्सीजन जो है हमारे एटमॉस्फेयर में अवेलेबल है, ठीक है, जो कि अगेन मैं बार बार लिख रही हूँ 21%, ये क्योंकि ध्यान रहे आपको इसे लिख रही। अब ऑक्सीजन किसने ली, ये देखिए एनिमल ने ली, एनिमल ने सांस लिया, रेस्पिरेशन मतलब इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन ऑफ द गैसेस या एक्सचेंज ऑफ द गैसेस कॉल्ड द रेस्पिरेशन, सांस लेना और छोड़ना। ठीक है, इसने, गाय ने क्या किया, सांस लिया। ठीक है, हमारा एक प्रोसेस है कि हम जब ऑक्सीजन इनहेल करते हैं तो हम कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं, जैसे अब ये जो मैंने रिलीज किया दिस इज व्हाट कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड वापस किसने ले लिया, पेड़ों ने ले लिया। ठीक है, अब ये मान लीजिए गाय की डेथ हो गई, गाय मर गई, गाय यही पर दब गई, दबने के बाद डीकम्पोज हो गई, डीकम्पोज होने के बाद, है ना, ये पेड़ भी मान लीजिए कट गया, दब गया, ये जो भी हो गया ये भी डीकम्पोज हो गया, तो ये क्या बन गया, यहाँ पे फॉसिल फ्यूल बन गया। फॉसिल क्या है एक तरीके से, फॉसिल क्या है एक तरीके से, कार्बन है, जिसे हम कोल भी बोलते हैं, है ना, कोयला। ठीक है, अब ये जो फॉसिल फ्यूल है ये हमने वापस यूज किया फैक्ट्री में, इसने क्या किया, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज किया, ये भी किसने ले लिया, पेड़ों ने ले लिया। ठीक है, जो फॉसिल फ्यूल से कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा था ये किसने ले लिया, पेड़ों ने ले लिया। ठीक है, ऑक्सीजन यहाँ भी ली जा रही है इंडस्ट्री के द्वारा, इंडस्ट्री में लोग हैं। ठीक है, और भी प्रोसेस होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड ऑटोमेटिकली आपको मिलती रहती है। प्लांट क्या कर रहे हैं, ऑक्सीजन बना रहे हैं, है ना, और ऑक्सीजन बना रहे हैं क्या कर रहे हैं, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड देखो एक जगह से ली, दो जगह से ली और तीन जगह से ली, तीनों जगह से कार्बन डाइऑक्साइड लेने के बाद इन्होंने क्या, फोटोसिंथेसिस के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन को रिलीज किया। तो अल्टीमेटली यहाँ देखा जाए तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो किसके अंदर एब्जॉर्ब्ड है, वो पेड़ों के अंदर एब्जॉर्ब्ड है। अगर इन पेड़ों को काट दिया जाए या डिफॉरेस्टेशन कर दिया जाए बहुत बड़े लेवल पर, अगर हम एक साथ पेड़ काट दें, तो इसका मतलब जितना भी कार्बन अवेलेबल था, जितना भी कार्बन इन्होंने स्टोर कर रखा था, वो सब रिलीज हो जाए, और जो हमारा एटमॉस्फेयर है यानी कि ये यहाँ पर जो CO2 का नंबर है वो बढ़ जाएगा। अभी तो 0.03% है, अगर 0.04% हो गया तो इससे भी बहुत ज्यादा मतलब डिजास्टर कैटास्ट्रोफिक चेंज हमें दिखाई देगा, बहुत ही भयंकर, बहुत ही अलग। तो 0.01% चेंज होना, है ना, ये क्या है, ये एक मतलब एक कॉन्सिक्वेंसेस, बहुत वर्स्ट कॉन्सिक्वेंसेस हमें यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो इसीलिए कहा जाता है कि पेड़ों को नहीं काटना चाहिए, इसलिए नहीं कहा जाता कि पेड़ हमें ऑक्सीजन देते हैं, पेड़ हमें ऑक्सीजन उतनी नहीं दे पाते जितनी उनको देनी चाहिए, एक्चुअली ऑक्सीजन का सोर्स ही हमारा लंग है ना। तो ऑक्सीजन, जो पेड़ होते हैं वो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को स्टोर करके रखते हैं, इसलिए इनको काटने के लिए मना किया जाता है कि अगर इन्हें काट दिया तो सारी जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो रिलीज हो जाएगी। अब देखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है। जो ग्रीन प्लांट होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करते हैं, ठीक है, यूज करते हैं और अपना खाना बनाते हैं, फिर ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, हम बात कर चुके हैं। ह्यूमन और एनिमल जो है हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, है ना, इक्वल अमाउंट में, ताकि जो प्लांट है उसको यूज कर ले और एक परफेक्ट बैलेंस मेंटेन कर सके। अब परफेक्ट बैलेंस तो तब मेंटेन होगा जब सारे पेड़ रहेंगे, पेड़ ही नहीं होंगे या पेड़ों को काट दिया जाएगा तो बैलेंस मेंटेन नहीं रहेगा, राइट। तो हाउ एवर बैलेंस इज अपसेट बाय बर्निंग ऑफ फ्यूल्स, अपसेट यानी कि डिस्टर्ब हो गया, है ना, सच एज कोल ऑयल, है ना, जिससे क्या हो रहा है, जो कार्बन डाइऑक्साइड का वॉल्यूम है वो बढ़ता जा रहा है, जिससे अर्थ का जो वेदर है, क्लाइमेट है, वो अफेक्ट हो रहा है, क्योंकि
जितना ज्यादा जो CO2 है वो ज्यादा रिलीज हो रहा है, और जो नंबर ऑफ ट्रीज हैं कम होते जा रहे हैं, तो फिर यहाँ बैलेंस कैसे होगा? बैलेंस तो नहीं हुए, तो डिसबैलेंस हो गया है ना। इसीलिए हमें क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने हैं ताकि वो कार्बन डाइऑक्साइड को स्टोर कर पाए। अब देखो कार्बन डाइऑक्साइड कितनी कितने जो प्रोसेस से निकलता है, कितना ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड स्टोर है हमारी जमीन में। ठीक है, देखो पेड़ों ने, ये पेड़ है सारे, ठीक है, अगर ये डीके हो गए, दब गए, ये देखो ये जो एनिमल है ये सारे डीके हो चुके हैं, दब चुके हैं, यहाँ पे मर चुके हैं। ठीक है, ये ऑर्गेनिक कार्बन है और ये डेड एन ऑर्गेनिज्म वेस्ट प्रोडक्ट, जितने भी चीजें जानवर यहाँ मर गए। मरने के बाद क्या हुआ, इससे फॉसिल फ्यूल बना। फॉसिल फ्यूल क्या है, मतलब इससे क्या है, ये रेस्पिरेशन, मतलब यहाँ पर ऑलरेडी इस पेड़ में भी कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है, अब ये क्या बन गया सारा, ये बन गया कोल, ये भी और ये भी फॉसिल फ्यूल, यानी कि कोल, पेट्रोलियम, जो भी यहाँ बन रहा है। ठीक है, कुछ भी हो सकता है। ओके, बनने के बाद अब इस फ्यूल को कौन यूज कर रहा है, ये फैक्ट्री यूज कर रही है। फैक्ट्री यूज कर रही है, इसका मतलब ये भी कार्बन एमिशन दे रही है, कार्बन एमिशन कर रही है। एमिशन मतलब रिलीज करना। तो इससे क्या है, जो CO2 का लेवल है वो बढ़ रहा है, कम नहीं हो रहा। अब ये यहां पर वापस आ गई, आसमान में आ गई है ना। अब ये जो जानवर है ये भी क्या कर रहे हैं, ऑक्सीजन को ले रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर रहे हैं, रिलीज कर दिया। तो कार्बन डाइऑक्साइड सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो हमारे एटमॉस्फेयर से ज्यादा हमारे जमीन में है ना। इसीलिए हमें पेड़ पौधों को नहीं काटना चाहिए। अब हम देखेंगे जो हमारा एटमॉस्फेयर है, अभी हमने देखा गैसेस कितनी अवेलेबल है, अब गैसेस भी कहाँ अवेलेबल है एटमॉस्फेयर में। एटमॉस्फेयर जो है हमारा काफी बड़ा है, बहुत लंबा है, बहुत मतलब लेंथ में काफी ज्यादा है, सेवरल किलोमीटर्स तक फैला हुआ है, जिसको हमने कई लेयर्स में बांटा है। ये लेयर्स आपको हमेशा याद रखनी है, ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि डिफाइन करिए स्ट्रक्चर ऑफ एटमोस्फेयर है ना, इलेबोरेट कीजिए, एक्सप्लेन कीजिए है ना, ये सब आता है। तो पांच लेयर्स है इसकी, सबसे पहले ट्रोपोस्फेयर नंबर वन, स्ट्रेटोस्फेयर नंबर टू, मीजोस्फेयर नंबर थ्री, थर्मोस्फेयर नंबर फोर, एक्सोस्फेयर नंबर फाइव। ठीक है, तो वन बाय वन सभी लेयर्स के बारे में हम यहाँ पर पढ़ने वाले। तो देखो यहाँ पर ये इमेज है, ये हमारी अर्थ है, ठीक है, ये है ट्रोपोस्फेयर, दिखाई दे रहा है सभी को। अब ट्रोपोस्फेयर में देखो प्लेन उड़ रहा है ना, इसका मतलब ट्रोपोस्फेयर क्या अलाउ करती है, प्लेन्स की फ्लाइट को अलाउ करती है। फिर आता है स्ट्रेटोस्फेयर से पहले के, और कौन से लेयर पड़ते हैं, ओजोन लेयर, जो कि हमें बचाती है फ्रॉम अल्ट्रा वायलेट रेज जो कि सन से आती है। फिर उसके ऊपर क्या, मीजोस्फेयर, मीजोस्फेयर यानी कि मिडल लेयर, ये मीटियोर्स यहाँ पर दिखाई देते हैं, और मीटियोर समटाइम्स यहीं आके यहीं खत्म हो जाते हैं, वो अर्थ तक पहुंच ही नहीं पाते। ठीक है, फिर आते हैं उसके बाद एक एक और लाइन दिखाई दे रही है यहाँ पे, जिसको हम कहते हैं, ये जिसको हम कहते हैं कर्मन लाइन। ठीक है, फिर उसके बाद आता है थर्मोस्फेयर। थर्मो मतलब, थर्मो कहाँ से वर्ड आया, थर्मो कम्स फ्रॉम थर्मल, थर्मल मतलब हॉट, गरम, गरम तो हिंदी में लिखते हैं। ठीक है, तो यानी कि ये वाली जो लेयर है ये बहुत ज्यादा हॉट होती है, और यहां पर देखो क्या दिखाई दे रहा है, सैटेलाइट दिखाई दे रही है ना। यहां तक जो लेयर है, यहां तक ये सारी कोल्ड लेयर है, यहाँ का टेम्परेचर बहुत कम होता है। ठीक है, फिर आता है एक्सोस्फेयर, यहाँ पे आपको रॉकेट दिख रहा उड़ते हुए, यानी कि आप अब स्पेस में आ चुके हैं, दिस इज कॉल्ड स्पेस, आप यूनिवर्स में आपने एंट्री कर ली है। ठीक है, यानी कि आप अर्थ से बिल्कुल बाहर आ चुके हैं। ठीक है, समझ आया। अब इन्हीं लेयर्स को हम लोग वन बाय वन पढ़ने वाले हैं, बहुत मजा आने वाला है। सबसे पहले ट्रोपोस्फेयर, ये सबसे इंपॉर्टेंट लेयर है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर हवा यही चलती है, सारी लेयर, विंड्स है ना, साइक्लोन्स और क्या होता है, जो रेन, वेदर, सब यहीं पर मतलब फॉर्मलाइज होता है, सब यहीं पर बनता है ना। यहाँ पे हेल स्टॉर्म होता है, स्नो होता है, स्लीट होती है, सब यही होता है ना। वेदर फिनोमेना यहाँ पर आता है, देखो आ भी गया, जैसे कि रेनफॉल है, फॉग है, हेल स्टॉर्म है, सब यही होता है। इसकी एवरेज हाइट कितनी है, 13 किलोमीटर होती है। आप देखो ये वाला क्लाउड देख रहे हो, ये क्लाउड है,
इसको क्या बोलते हैं, क्यूमुलो निम्बस क्लाउड, क्यूमुलो या क्यूमुलस निम्बस क्लाउड। ठीक है, ये क्लाउड सबसे बड़ा क्लाउड होता है और इस क्लाउड की वजह से बहुत हैवी रेन होता है। देखो ये रेन इसी में दिखाया हुआ है, ये क्या हैवी रेन। ठीक है, ये छोटा सा क्लाउड है, ये बारिश नहीं देता, ये स्ट्रेटस क्लाउड है। ठीक है, यानी कि स्ट्रेटा लेयर बनाई हुई है, यहाँ पर प्लेन उड़ रहा है। तो इसमें देखो यहाँ पर माउंटेन्स भी दिखाई देते, यानी कि जो एवरेस्ट है ना, तो एवरेस्ट यही दिखाई देता, जिसकी हाइट 88850 है, सॉरी डबल हाइट बोला मैंने, उसकी हाइट 88850 है। तो माउंटेन्स भी आपको यही दिखाई देते हैं। ठीक है, जो हाईएस्ट माउंटेन है जो हम देख सकते हैं ट्रोपोस्फेयर में। ठीक है, अब आती है स्ट्रेटोस्फेयर की बात। ये ट्रोपोस्फेयर के ऊपर आती है, सेकेंड नंबर की है। ये कहाँ तक है, 50 किलोमीटर तक फैली हुई है। ठीक है, वो कहाँ तक फैली हुई थी, 13 किलोमीटर तक। ठीक है, यानी कि 13 के बाद 14 से लेके 50 किलोमीटर तक। ठीक है, ये जो लेयर है फ्री फ्रॉम क्लाउड, कोई क्लाउड नहीं होता। ठीक है ना, एंड एसोसिएटेड वेदर फेनोमेना, यहाँ पर वेदर फेनोमेना से एसोसिएटेड है, यानी कि यहाँ पर जो मेकिंग कंडीशन फॉर मोस्ट आइडियल फॉर फ्लाइंग एरोप्लेन, हम जब भी प्लेन में ट्रैवल करते हैं, दैट मीन्स हम स्ट्रेटोस्फेयर लेयर में ट्रैवल कर रहे हैं। ठीक है, जो जेट वो होते हैं, एयर जेट प्लेन्स होते हैं, वो यहीं पर उड़ते हैं। ठीक है, जितनी भी फ्लाइट्स होती है वो यहीं पर उड़ती हैं, क्योंकि यहाँ पर जो विंड डायरेक्शन है वो बहुत ज्यादा स्ट्रेट है और बहुत ज्यादा फास्ट है। ठीक है, इट कंटेन अ लेयर ऑफ ओजोन गैस विच प्रोटेक्ट फ्रॉम हार्मफुल एंड हार्मफुल इफेक्ट ऑफ द सनरेज, ये मैं बता चुकी हूँ। तो स्ट्रेटोस्फेयर में क्या उड़ते हैं भाई, प्लेन्स उड़ते हैं। देख ये 10 किलोमीटर से 50 किलोमीटर तक है स्ट्रेटोस्फेयर। देखो टेम्परेचर देखो माइनस में है, यहाँ पर -51 डिग्री सेल्सियस, और अगर और ऊपर जाते तो -15 डिग्री सेल्सियस, तो बहुत ज्यादा ठंडा है ये, है ना। तो अगर आप प्लेन में उड़ते हैं या हॉट एयर बैलून आप यूज कर रहे हैं, तो इट इज दी कोल्डेस्ट लेयर। कौन सी लेयर, दिस इज कोल्डेस्ट लेयर, कौन सी, स्ट्रेटोस्फेयर, ये वाली नहीं, मीजोस्फेयर मत देखना। ठीक है, आगे मीजोस्फेयर, मीजोस्फेयर यानी कि मिडल स्फेयर, मिडल लेयर, है ना, मीजो मतलब मिडल। ठीक है, थर्ड लेयर जिसको क्या कहा जाता है, मीजोस्फेयर, वो स्ट्रेटोस्फेयर के ऊपर है। ठीक है, ये कहाँ तक है, ये 80 किलोमीटर तक फैली हुई है। मीटरॉइड्स जो है वो यहाँ पर बर्न हो जाते हैं, जल जाते हैं, जब भी वो स्पेस से एंटर करते हैं तो कुछ इसी तरह की इमेज दिखाई देती है। एकदम से जब ये ग्रेविटी के कॉन्टेक्ट में आता है तो ये अचानक से जलने लग जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर गैसेस के कॉन्टेक्ट में है, यहाँ पर बहुत सारे गैसेस हैं जो हेल्पफुल है कि वो जलने में हेल्प करें। ठीक है, इसलिए कोई भी मीटियोर जब जब यहाँ पर आता है, एंट्री लेता है, या तो वो इतना छोटा होता है कि वो नीचे आते आते ही जल के खत्म हो जाता है, तो वो अर्थ पर गिरता नहीं है। और जो काफी बड़े मीटियोर्स होते हैं या एस्ट्रॉइड्स होते हैं, वो समटाइम्स अर्थ के कॉन्टेक्ट में आते हैं और वो कहीं दूर चले जाते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अब थर्मोस्फेयर, थर्मो मतलब मैंने बताया था गर्म, हॉट, ये सबसे ज्यादा हॉट लेयर है। ठीक है, टेम्परेचर राइजेस वेरी रैपिडली, यानी कि बहुत ज्यादा टेम्परेचर है। आइनोस्फेयर इसको कहा जाता है, आइनोस्फेयर मतलब यहाँ पर आयंस हैं, यानी कि पॉजिटिव आयंस जो इसको हॉट बनाते हैं। ठीक है, इट एक्सटेंड बिटवीन 80 से 400 किलोमीटर, बहुत ज्यादा ऊंची लेयर है। ठीक है, दिस लेयर हेल्प्स इन रेडियो ट्रांसमिशन। अब देखो आइनोस्फेयर कहा, यानी कि यहाँ पर मैग्नेटिक, यहाँ पर आयंस हैं, मैग्नेटिक मैं नहीं बोलूंगी। ठीक है, यानी कि आयन क्या करते हैं, यहां से जब सिग्नल जाता है तो रिफ्लेक्ट बैक होके नीचे आता है। ठीक है, मान लीजिए ये यहाँ पर सैटेलाइट लगी है, ये सैटेलाइट मान लीजिए टीवी वाली है या रेडियो वाली, जो भी है। अब यहाँ नीचे से सिग्नल आएगा ऊपर, यहां से टकरा के वापस नीचे जाएगा, दैट मीन्स ये हमें सिग्नल भेजता है। ठीक है, तो 500 से 2000 डिग्री, बहुत ही ज्यादा गर्म है, बहुत ही ज्यादा गर्म है। ठीक है, मतलब हद से ज्यादा गर्म है, तो इसलिए इसको थर्मोस्फेयर कहा जाता है, मतलब हॉट लेयर। यहाँ पर रहना, सर्वाइव करना, इट्स अ रियली टफ टास्क। ठीक है, तो यहाँ पर टेम्परेचर देखो बहुत ज्यादा है, और यहाँ इसको क्या कहा जाता है, रेडियो ट्रांसमिशन लेयर है, यानी कि यहाँ पर जितने भी टीवी में आते सिग्नल आते हैं, फोन्स में आते हैं, सब यहीं से आते। ठीक है, एक्सोस्फेयर यानी कि आप बिल्कुल हो गए हैं अर्थ के रेंज से बाहर, आप कहाँ पर आ गए हैं,
आप आ गए हैं स्पेस में, यूनिवर्स में, जो कि बहुत शांत है, बहुत शांत, बिल्कुल ऐसा ही दिखाई देता, काला, एकदम अंधेरा, कुछ भी नहीं है यहाँ। अपर मोस्ट लेयर है इसकी, जिसको एक्सोस्फेयर कहा जाता है। ये लेयर बहुत ही ज्यादा थिन एयर होती है यहाँ पर, बिल्कुल हल्की हवा, लाइट ब्रीज जिसको कहते हैं, जो आपके ऐसे शरीर को छू के जाती है, आप फील करते हो हवा चले, इस तरह की लाइट गैसेस यहाँ पे, जैसे हीलियम है, हाइड्रोजन है ना, जिसकी वजह से हम फ्लोट करते हैं स्पेस में। आपने देखा होगा जो स्पेस पीपल होते हैं, जो स्पेस पर्सन होते हैं, है ना, वो क्या करते हैं, फ्लोट करते हैं, और एक वो बांध के रखते हैं अपने बॉडी पे, एक रोप बांध के रखते हैं, ताकि वो स्पेस में एक्चुअली बाहर की तरफ ना हो जाए, मिसप्लेस नहीं हो जाए, अदरवाइज वो सर्वाइव नहीं कर पाते। ठीक है, आप देखो ये इतनी सारी लेयर्स हैं, एटमोसफेयर के वो वेदर भी होगा यहाँ, क्लाइमेट भी होगा, हमने पढ़ा था ट्रोपोस्फेयर में क्लाइमेट वेदर कंडीशन के लिए वो रिस्पॉन्सिबल है ना। तो अब वेदर क्या है, वेदर और क्लाइमेट दोनों अलग अलग चीजें हैं, दोनों डिफरेंट है। वेदर यानी कि आर टू आर चेंज, डे टू डे चेंज, यानी कि आज मौसम ठंडा है, कल थोड़ा सा गर्म है, परसों बारिश हो गई, फिर मौसम ठंडा है, थोड़ा गर्म है, फिर बारिश होगी, यानी कि हर दिन, हर 2 घंटे में, 3 घंटे मौसम बदल रहा है, अभी धूप निकली है, शाम को ठंड हो गई, ऐसा इसको क्या कहा जाता है, वेदर कहा जाता है। एवरेज वेदर कंडीशन ऑफ अ प्लेस फॉर लॉन्गर पीरियड रिप्रेजेंट अ क्लाइमेट। अब कोई एक जैसा टेम्परेचर 25 से 30 सालों तक रहता है तो उसको क्या कहा जाता है, क्लाइमेट। यानी कि अगर ठंड है, 10 डिग्री टेम्परेचर है, तो 10 डिग्री ही रहेगा, दैट मीन्स को कंसिडर किया जाएगा एज कोल्ड विंटर। अगर 30 डिग्री के बीच में है तो उसको कंसिडर किया जाएगा एज समर, यानी कि हॉट, प्लेजेंट में ला सकते हो आप इसको, प्लेजेंट वेदर है, मजेदार है, आप इंजॉय कर रहे हो, गर्मी भी नहीं लग रही, ठंड भी नहीं लग रही, है ना। अच्छा, अब वेदर और क्लाइमेट में थोड़ा सा डिफरेंस समझते हैं क्या होता है। देखो, वेदर यानी कि शॉर्ट टर्म स्टेट ऑफ द एटमोसफेयर, यानी कि वही थोड़ी देर के लिए, जैसे बारिश हो गई फिर चली गई। देखिए, यानी कि अगर ये टेम्परेचर जो है वो पूरे दिन में कभी नीचे कभी ऊपर, कभी नीचे कभी ऊपर कभी नीचे, तो यानी कि एक दिन में देखो जो टेम्परेचर है, 1, 2, 3, 4 और 5 बार बदला एक दिन में। ठीक है, अब बात करते हैं क्लाइमेट की। ये लॉन्ग टर्म पैटर्न होता है, यानी कि लंबे समय तक एक जैसा, यानी कि जैसे ट्रॉपिकल क्लाइमेट, जैसे कि भारत का, है ना। देखो, टेम्परेचर जो है पूरे साल लगभग एक जैसा है, लगभग, थोड़ा बहुत वेरिएशन है यहाँ 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 और यहाँ, तो ये तो होना ही है। तो एवरेज वेदर ओवर दी मेनी ईयर्स इन वन स्पेसिफिक प्लेस इज कॉल्ड एज क्लाइमेट। अब वो जो एवरेज टाइम पीरियड है वो क्या है, 25 से 30 साल, ठीक है, इसको कहा जाता है क्लाइमेट। समझ आया सभी बच्चों को। अब बात करते हैं टेम्परेचर की। अब भाई मौसम है, वेदर है, क्लाइमेट है, तो टेम्परेचर भी होगा, है ना। अब डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस नापने को, या हवा को नापने को क्या कहा जाता है, टेम्परेचर की, हवा में नमी है या गर्मी है ना। टेम्परेचर ऑफ द एटमोसफेयर चेंजेस नॉट ओनली बिटवीन डे एंड नाइट बट ऑल्सो फ्रॉम सीजन टू सीजन। अब सीजन कहाँ आते हैं भाई, सीजन आते हैं इंडिया में, है ना। कितने सीजन होते हैं, 4 सीजन, मेजर सीजन की बात करें, वैसे देखा जाए तो 6 होते हैं, ठीक है। कौन कौन सा, समर, विंटर, मॉनसून और ऑटम, यही होता है। अब देखो, जो समर्स होते हैं टेम्परेचर ज्यादा होता है, गर्मी, बारिश हो गई टेम्परेचर कम ज्यादा ऑलमोस्ट गर्मी, विंटर्स आ गए टेम्परेचर बहुत कम, जैसे कि अभी बहुत ठंड हो रही है ना, यानी कि ठंड। अब जब ऑटम आएगा उसमें भी ठंड, तो जो टेम्परेचर है वो क्या कर रहा है, वैरी कर रहा है ना, सीजन टू सीजन, डे टू डे, दिन में जो टेम्परेचर है बहुत ज्यादा होता है, रात को टेम्परेचर कम हो जाता है ना, तो उसको कहा जाता है टेम्परेचर। अब जो टेम्परेचर दिखाई दे रहा है, जो टेम्परेचर किससे बनता है, गर्मी या ठंडी किससे आती है, धूप से, है ना। अब धूप जितना भी, जो ये मान लीजिए ये सन है, यहां से सनरेज देखो जा रही है, अर्थ के ऊपर पड़ रही है ना, अब जितनी भी धूप अर्थ अपने अंदर एब्जॉर्ब करती है उसको कहा जाता है इंसुलेशन। ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि इन्फ्लुएंस करता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर। हर जगह पे, अलग अलग प्लेस पे, कंट्री में, नेशन में, अलग अलग टेम्परेचर होता है। अब इंसुलेशन क्या है, इज द इनकमिंग सोलर एनर्जी जो कि अर्थ इंटरसेप्ट करती है, अपने अंदर कंज्यूम करती है, अब्सॉर्ब करती है ना। अमाउंट ऑफ इंसुलेशन डिक्रीजेस फ्रॉम इक्वेटर टूवर्ड पोल्स। अब देखो, इक्वेटर अपना क्या है, ये अपना इक्वेटर है, दिस इज 0 डिग्री, ठीक है। अब ये है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर
और ये है सदर्न हेमिस्फेयर यानी कि साउथ पोल, साउथ पोल और ये नॉर्थ पोल। ठीक है भाई। अच्छा अब देखो ये जो नॉर्थ पोल नॉर्थ हेमिस्फेयर है वो कहाँ की तरफ टिल्ट है, सन की तरफ टिल्ट है, और जो सदर्न हेमिस्फेयर है वो जो सन है उससे दूर है, तो उसका मतलब जो इक्वेटर है उसके ऊपर डायरेक्ट सनरेज पड़ रही है, और नॉर्दर्न हेमिस्फेयर ऑलमोस्ट पूरा सबसे ज्यादा सन की जो रेज है वो रिसीव कर रहा है, लेकिन जो सदर्न हेमिस्फेयर है वो बहुत ज्यादा सन रेज यहाँ पर उसको रिसीव नहीं हो रही है, तो उसका मतलब यहाँ पे क्या चल रहा है विंटर, यहाँ पर जो इंसुलेशन है, यहाँ पर जो इंसुलेशन ऑफ रेज है वो क्या है, वो कम है अमाउंट में, इज लेस है ना, और यहाँ पे जो इंसुलेशन ऑफ रेज है वो क्या है, इज मोर, तो इसलिए ऊपर समर है नीचे विंटर है ना, मैंने लिख दिया ना विंटर, और यहाँ क्या चल रहा है समर चल रहा है। जब साउथ पोल यहाँ की तरफ हो जाएगा और नॉर्थ पोल यहाँ से दूर हो जाएगा तो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में विंटर होगा और सदर्न हेमिस्फेयर में समर होगा, और जो इंसुलेशन रहेगा फिर वो सदर्न हेमिस्फेयर में ज्यादा रहेगा नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में कम रहेगा, है ना, ऐसा ही होता है। टेम्परेचर जो सिटीज होती है वहां बहुत ज्यादा होता है, विलेजेस में कम होता है, क्यों ऐसा होता है, क्योंकि जो सिटी है वहां पर जो बिल्डिंग्स है बहुत ज्यादा है, कंक्रीट सिस्टम बहुत ज्यादा है, वहां पर नदी नहीं है, बाग नहीं है, बगीचे नहीं है, पेड़ नहीं है, खेत नहीं, तो ठंडी नहीं होती, और विलेज में यही सब होता है, इसलिए वहां का जो टेम्परेचर है वो थोड़ा कम रहता है, शहर का टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है ना। देखो यही लिखा है, कॉन्क्रीट और मेटल बिल्डिंग क्या करती है, ये बहुत जल्दी गर्म हो जाती है जिससे टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। अब बात करते हैं एयर प्रेशर की, एयर प्रेशर यानी हवा का दबाव है ना, एयर प्रेशर इज डिफाइंड एज पर प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेट ऑफ एयर ऑन द अर्थ सर्फेस। अब देखो मान लीजिए कि जो हवा है ना, हवा चल रही है, ठीक है, अगर आप मान लीजिए कि ये बिल्डिंग मैं बना रही हूं, टेढ़ी बन गई, रुक जाएंगे, ये बिल्डिंग बनी, ठीक है, मान लीजिए इस बिल्डिंग में 1 2 3 4 5 6 फ्लोर्स है, ठीक है, अब आप हो फर्स्ट फ्लोर पे, यहां पर रहते हो और एक बंदा रहता है यहाँ, तो ये वाला जो इंसान है ये थोड़ा बर्डन फील करता है, बर्डन मतलब बर्डन फील कर रहा है यानी भारी भारी फील कर रहा है, ठीक है, इसको लग रहा है ऐसे कि मेरे सर पे कुछ प्रेशर पड़ा हुआ है। किस चीज का प्रेशर, सबसे पहले तो उसके ऊपर 6 मंजिल का प्रेशर पड़ा हुआ है, ये लीस्ट फ्लोर पे रहता है, तो जो ऊपर के फ्लोर है उसका प्रेशर किसके ऊपर आएगा, इस पर्सन के ऊपर आएगा, लेकिन ये वाला जो पर्सन है इसके ऊपर कोई प्रेशर ही नहीं है तो ये लाइट फील करेगा, है ना, लेकिन इसके ऊपर किसका प्रेशर है, एयर का, तो ये थोड़ा सा प्रेशर तो फील करेगा ही करेगा, यानी हवा का दबाव है ना, हवा भी हमें प्रेशराइज करती है, ठीक है। एयर प्रेशर इज द हाईएस्ट एट सी लेवल एंड डिक्रीज विद द हाइट, यानी कि जो सी लेवल है, मान लीजिए ये माउंटेन है, ये सी है, ठीक है, दिस इज सी और ये माउंटेन है, हवा यहां से नीचे की तरफ आ रही है, ठीक है, तो यहां पर जो प्रेशर है वो क्या है, वो कम है, लेस है, यहां पर जो हवा का प्रेशर है वो क्या है, ज्यादा है, क्योंकि हवा तेजी से नीचे की तरफ आ रही है ना। कभी भी देखना, कभी भी फील करना, अगर आप बिल्डिंग के नीचे खड़े हो तो यू फील मोर प्रेशराइज, आप ऐसे दबा हुआ महसूस करते हो हवा से, अगर आप छत पे हो तो आप फील ही नहीं करते, इतना ज्यादा फील नहीं करते जितना बिल्डिंग के नीचे करते हो, है ना। तो हॉरिजॉन्टली द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एयर प्रेशर इज इन्फ्लुएंस्ड बाय टेम्परेचर ऑफ एयर एट अ गिवन प्लेस। अब ये जो प्रेशर है ये हॉरिजॉन्टली चलता है, यानी कि ऐसे हवा ऐसे चलती है ना, ऐसे है ना, इस तरीके से ही हवा चल रही है, तो जो ये प्रेशर एग्जर्ट कर रही है हमें दे रही है वो किस तरीके चल रहा है, हॉरिजॉन्टली चल रहा है, ठीक है। जब टेम्परेचर हाई होता है तो एयर गेट्स हीटेड है ना, राइजेस एंड क्रिएट अ लो प्रेशर एरिया, यानी कि मान लो इस इलाके में ये इलाका है, ठीक है, ये ऊपर हमारा सूरज है, जब हवा गर्म हो जाती है, ठीक है, हवा चल रही है, जब हवा गर्म हो जाती है, मान लो इस इधर हवा चल रही है, तो वो क्या होती है, हल्की होती है, उसमें मॉइस्चर नहीं होता, हवा गर्म हो गई सारा पानी उसने सूख लिया, सूख गया तो हवा हल्की हो गई, अब हवा ऊपर की तरफ जाती है, ठीक है, तो ये क्या है, ये हॉट एयर है। अब दूसरी तरफ हवा यहां भी चल रही है,
लेकिन इस हवा में मॉइस्चर है, तो ये क्या है? ये सीधे सीधे चल रही है, ये क्या है? कोल्ड एयर, ठंडी हवा। तो ठंडी हवा नीचे नीचे लगती है और गर्म हवा क्या होती है? ऊपर की तरफ चली जाती है ना। तो यहां पर ये लो प्रेशर एरिया क्रिएट करती है, यानी कि जब गर्म हवा ऊपर की तरफ जाती है तो यहां पर प्रेशर क्या हो जाता है? कम हो जाता है। और जब प्रेशर कम हो गया तो यहां पर क्लाउड फॉर्मेशन हो जाता है, थोड़ी देर बाद बारिश होने लगती है। कभी देखा है कि ठंडी हवा बारिश कर रही है? ठंडी हवा बारिश नहीं करती, ठंडी हवा मौसम ठंडा कर देती, बारिश नहीं करती, है ना। तो लो प्रेशर इज एसोसिएटेड विद क्लाउडी स्काईज एंड वेट वेदर। देखा, बोला ना मैंने, जब हॉट एयर ऊपर जाती है तो वो क्लाउड फॉर्मेशन करती है, जिससे क्या होता है? बारिश के चांसेस बन जाते हैं, ठीक है। अब जब टेम्परेचर लो होता है, हवा ठंडी हो जाती है, इसका मतलब हवा भारी हो गई, हैवी हो गई। हैवी एयर क्या होती है? सिंक होती है, ये आ गई नीचे की तरफ एंड क्रिएट अ हाई प्रेशर एरिया, यानी कि भारी भारी। ये कब होता है? ये होता है विंटर्स में। हाई प्रेशर एरिया कब बनता है? विंटर्स में बनता है। और लो प्रेशर एरिया कब बनता है? समर्स में बनता है, जब बारिश होती है, जब मॉनसून आता है, उसको लो प्रेशर एरिया कहा जाता है। तो हाई प्रेशर इज एसोसिएटेड विद क्लियर एंड सनी स्काई, यहाँ पर एकदम साफ आसमान होगा और खूब धूप चमकेगी, ठीक है। The air always moves from high pressure area to low pressure area, यानी कि वो पहले हाई प्रेशर में रहेगी, यानी कि ऊपर से नीचे आएगी, फिर जब उसका मॉइस्चर खत्म हो जाएगा फिर वो ऊपर चढ़ जाएगी। तो इट बिकम हॉट एंड लाइट। आगे चलते हैं, हवा यानी कि विंड, ठीक है। मूवमेंट ऑफ एयर फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर एरिया इज कॉल्ड विंड, यानी कि वो पहले सिंक हुई फिर यहां से राइज हुई। तो ये क्या है? यहाँ पर हाई प्रेशर एरिया है और ये लो प्रेशर एरिया है, ठीक है। विंड्स कैन बी ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स। परमानेंट विंड होती हैं, सीजनल विंड होती हैं। परमानेंट में कौन से होते हैं? ट्रेड विंड, जो हमेशा चलती रहती है। वेस्टर्लीज, ईस्टर्लीज, ये परमानेंट हवाएं हैं। वेस्टर्लीज कब चलती है? विंटर में। ईस्टर्लीज कब चलती है? मानसून में। ट्रेड विंड्स कहाँ चलती हैं? ट्रेड विंड्स चलती हैं ट्रॉपोस्फेयर में। जेट जेट एयरवेज भी, जेट विंड्स भी कहा जाता है इनको, ट्रॉपोस्फेयर में, ठीक है। दीज ब्लो कॉन्स्टेंटली थ्रू आउट द ईयर, हमेशा चलती रहती है एक ही डायरेक्शन। सीजनल विंड, जैसे कि मॉनसून जब आता है तो हवा, ये हमारा भारत है, जब हवा इस तरीके से चलती है, ये हवा चलने का तरीका है, तो इसको क्या कहा जाता है? इसको मॉनसून विंड कहा जाता है। सीजन यानी कि एक ही सीजन में चलती है। अभी देखो ये क्या है, ये सीजनल विंड है। देखो ये है मॉनसून वाली, ये यहाँ पे देख लो, समर मॉनसून लाल, विंटर मॉनसून नीला। तो ये जो ऊपर की तरफ जा रही है सारी, ये यहाँ पे ये सब समर मॉनसून है, और ये जो ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है नीली नीली डंडियां, नीले नीले एरोस, ये क्या है? ये विंटर मॉनसून है, ठीक है। और ये जो देख रहे हो ना, ये वाली हवा ट्रेड विंड है, ये हमेशा चलती रहती, ठीक है। अब जो सर्दियों में जो हवाएं चल रही है ना, अब ये ट्रेड विंड होती है, ठीक है। लोकल विंड यानी कि जो चलती है, ठीक है, पर्टिकुलर टाइम में, एक दिन में एक दो बार चल रही है किसी छोटे मोटे इलाके में, जैसे कि लैंड ब्रीज, सी ब्रीज, है ना। हॉट एंड ड्राई विंड, लोकल विंड इन नॉर्दर्न प्लेन्स कॉल्ड लू। तो लू भी क्या है? लोकल विंड है, 10-15 दिन के लिए चलती है, पर उसमें बहुत हालत खराब कर देती है। अब देखो डे ब्रीज क्या होती है? डे ब्रीज होती है यानी कि जो गर्म हवा है वो लैंड से जा रही है किसकी तरफ? सी की तरफ। और जो ठंडी हवा है वो लैंड से किसकी तरफ आ रही है? वो सी से लैंड की तरफ आ रही है। सेम नाइट ब्रीज, यानी कि जो ठंडी हवा है वो लैंड से चलती है किसकी तरफ? सी की तरफ। और जो गर्म हवा है वो सी से किसकी तरफ चलती है? लैंड की तरफ चलती है। तो इसको क्या कहा जाता है? लोकल विंड्स कहा जाता है। मॉइस्चर, अब मैंने बात की थी किसकी? हॉट वाले की, हॉट विंड की और कोल्ड विंड की। तो कोल्ड विंड में मैंने बोला था मॉइस्चर होता है, वो हवा भारी होती है, पर हॉट विंड में मॉइस्चर नहीं होता, क्योंकि धूप से, गर्मी से सारा मॉइस्चर सूख जाता है। व्हेन वाटर इवेपोरेट फ्रॉम लैंड एंड डिफरेंट वाटर बॉडी, इट बिकम वाटर वेपर, वाटर वेपर क्रिएट हो जाते हैं, तो हवा भारी हो जाती है। तो मॉइस्चर इन द एयर एट एनी टाइम इज नोन एज ह्यूमिडिटी, किसी भी समय जब हवा में मॉइस्चर होता है तो उसको ह्यूमिडिटी कहा जाता है। और जब जो हवा होती है, जब वो वाटर वेपर से भर जाती है, तो उसको ह्यूमिड डे कहा जाता है, यानी कि वो जो हवा है उसमें मॉइस्चर का लेवल बहुत ज्यादा है और चांसेस है कि बारिश हो सकती है ना। एज द एयर गेट्स वार्मर, जब हवा गर्म हो जाती है, इसकी कैपेसिटी क्या खत्म बढ़ जाती है कि वो
वाटर वेपर उसमें कंज्यूम कर सकती है, फिर हवा बहुत ज्यादा ह्यूमिड होती रहती है। व्हेन द वाटर वेपर राइजेस इट स्टार्ट्स कूलिंग, जब वाटर वेपर ऊपर की तरफ जाते हैं, मान लीजिए हवा, ये माउंटेन है, हवा यहां से ऊपर चढ़ रही है, ठीक है, जब सिंक होती है इधर तो क्या करती है, कुछ भी नहीं है इसमें यहाँ पे, तो जब ये ऊपर की तरफ जाती है तो यहाँ पर जो कूल हो जाते हैं, क्या, कूलिंग ऑफ वाटर वेपर, ठीक है। और यहाँ पर जो वाटर वेपर है वो कूल नहीं हुए, वो मतलब वाटर वेपर यहाँ कम हो गई, ठीक है। वाटर वेपर कंडेंसेस कॉजिंग इन फॉर्मेशन ऑफ ड्रॉपलेट ऑफ वाटर, क्लाउड्स बन जाते हैं, है ना, जिससे क्या होता है, बारिश होने के चांसेस होते हैं। जब ये ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर बहुत हैवी हो जाते हैं हवा में, जब मतलब फ्लोट करते हैं, तो फिर क्या होता है, ये बारिश के फॉर्म में नीचे आ जाते हैं। प्रेसिपिटेशन मतलब बारिश जो कि कम्स डाउन टू द अर्थ इन अ लिक्विड फॉर्म, जिसे हम रेन कहते हैं, बारिश कहते हैं। अब बारिश के भी तीन टाइप है, क्या, सबसे पहला कन्वेक्शनल रेनफॉल, ऑरोग्राफिक रेनफॉल, साइक्लोनिक रेनफॉल। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे समझेंगे कन्वेक्शनल रेनफॉल के बारे। कन्वेक्शनल मतलब अचानक से बहुत तेज बारिश आ रही, यानी कि ये देखो ये डायग्राम सबसे बेस्ट है। यहां से गर्म हवा चली, ठीक है, यहां से आई एक गर्म हो गई हवा। गर्म हवा हमने क्या पढ़ा था अभी, कि तेजी से ऊपर जाती है क्योंकि वो लाइट होती है, तो ये तेजी से ऊपर गई, और ऊपर जाते जाते इसने अपने साथ क्या जोड़ लिए, सारे वाटर वेपर अपने साथ ऐड कर लिए, और एक बड़े से काले से बादल का फॉर्मेशन हुआ, और उसने बहुत तेज बारिश कर दी एक जगह पे। कभी कभी होता है ना कि एकदम से सिर्फ एक ही पर्टिकुलर इलाके पे बारिश हो रही, बाकी जगह हो ही नहीं, उसको कहा जाता है कन्वेक्शनल रेनफॉल। और वो बारिश सिर्फ 10 मिनट की होती है, और 10 मिनट में सारा गीला करके चली जाता है ना, उसको कन्वेक्शनल रेनफॉल कहते हैं। फिर आता है ओरोग्राफिक रेनफॉल, ये कौन सा है, ओरोग्राफिक, ऑरोग्राफिक मीन्स देखो ये माउंटेन है, यहां से हवा चली, मॉइस्ट एयर है, राइज हुई, यहां पर क्लाउड फॉर्मेशन हुआ, और ये बारिश यहां सारी गिर गई। अब जब ये क्लाउड यहां तक आएगा, सारी बारिश यहाँ गिर चुका है, तो यहाँ तो कुछ बचा ही नहीं, तो ये क्या हो गया, ये ड्राई रीजन हो गया सारा, रेन शैडो रीजन इसको कहा जाता है, यानी कि जो हवा है वो खाली हो चुकी है, उसे मॉइस्चर वॉइस्चर कुछ नहीं, और वो यहाँ पर आके सिंक हो गई, यानी कि ड्रेन हो गई, उसमें कोई मॉइस्चर अवेलेबल है ही नहीं, ठीक है। फिर कौन सी, साइक्लोनिक रेनफॉल। साइक्लोनिक रेनफॉल तब होती है जब ठंडी हवा और गर्म हवा दोनों साथ में मिल जाती हैं, तो एक साइक्लोनिक रेन क्रिएट करती है। ये जो रेन होती है बहुत ज्यादा डेंजरस होती है, बहुत ज्यादा तेज साइक्लोन आता है, हवा आता है, आंधी आती है, तूफान आता है, तब ये साइक्लोनिक रेन फॉर्म होती है। तो देखो ये कोल्ड एयर है, यहां से कोल्ड एयर नीचे आ रही है, वार्म एयर ऊपर जा रही है, जब दोनों हवाएं, जब गर्म और ठंडी हवा आपस में मिलती है, टकराती है, तो साइक्लोन क्रिएट होता है, आंधी और तूफान क्रिएट होता है, ठीक है, तो उसको साइक्लोनिक रेनफॉल कहा जाता है। तो इस घर में जब आप देखते हैं ना, गर्मी में बहुत ज्यादा आंधी वाली बारिश आती है, तूफान वाली बारिश आती है, तो इसी की वजह से आती है ये साइक्लोनिक रेनफॉल। सिर्फ कब आती, होता है समर्स में, अदरवाइज कभी नहीं होता, क्योंकि गर्म हवा तभी फॉर्म होती है, विंटर्स में तो हो ही नहीं सकता क्योंकि ऑलरेडी ठंडी हवा है ना। अब रेनफॉल की क्या इंपॉर्टेंस है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, क्योंकि सर्वाइवल ऑफ प्लांट एंड एनिमल है ना, फ्रेश वाटर लाते हैं अर्थ सर्विस में, अगर रेनफॉल कम होगा तो पानी की कमी हो जाएगी, सूखा पड़ जाएगा, है ना, और फिर क्या होगा, जो फ्लड्स टेक प्लेस, कई जगह पर बारिश बहुत ज्यादा हो जाएगी तो वहां बाढ़ आ जाएगी, कई जगह बारिश कम होगी तो वहां बाढ़ नहीं आएगी, वहां सूखा पड़ जाएगा। तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही अमेजिंग लेसन था, मुझे तो बहुत मजा आया पढ़ाने में, होपफुली आपको भी बहुत सारी चीजें समझ आएगी डायग्राम्स के थ्रू। डायग्राम्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी चैप्टर को समझने के। चलिए आप सभी बच्चे, हम सबको टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, जिसके लिए आपको टेलीग्राम को ज्वाइन करना होगा, डाउनलोड करना होगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर, और जो भी डाउट है वो डायरेक्टली आप हम लोगों से पूछ सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।